Kishore Namit Kapoor Acting Institute, India's premier acting institute, proudly presents an e-lecture on film and television acting. This lecture is provided for those who want to study the craft of acting but find Tinseltown out of reach. The following e-training is not a substitute for real-world training, as factors like feedback play an important role in performance art. It was great fun. The after effect was tremendously, you know, liberating. And I think the kind of things that he makes you do is kind of break into yourself. Okay. Meri acting ki definition duniya jaanti hai. Your soul gives birth to another soul through art. कला के माध्यम से आपकी आत्मा नई कला को जन्म देती है. सोल गिव्स बर्थ टू अ न्यू सोल. लेकिन जो एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन क्या है, जब आप एक्टिंग करते हैं तो क्या करते हैं एक्जेक्टली? गिव हर रियल बिग 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 एक्टिंग इज पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर्स. Right? Simple. But what do you portray? What do you mean by character? What do you mean by portraying character? Portray personality of the character. बड़े मुंह पड़ो. कल तुमने पागल बनकर मुझे बेवकूफ बनाया और मैंने पागल समझकर तुम्हें बेवकूफ बनाया. बोझ उठाए, पत्थर तोड़े, अपने पेट को काट काट कर उसे पढ़ाया लिखाया. कि जब मैं हिसाब लगाने बैठता हूँ तो खुद मुझसे भूल हो जाती है. किसी की बेवफाई की जीती जागती तस्वीर. पालिका, ये जीवन एक टेढ़ी मेढ़ी डगर है. कोई इस डगर से अपने आप को बचा कर निकल जाता है. मुझे छुओ मत, मैं कोरी हूँ. हाय हाय हाय. तो उस कम्बक को किसने कहा था कि रात को दो सिर बिरयानी, एक मुर्गे मुसल्लम और देसी घी के आठ पराठे खा जाए? दुनिया की बेशुमार जुबानें यकसा लफ्जों में इस जगह के खिलाफ गुस्से और नफरत का इजहार करती है. वो कहती है ये बुरी जगह है, यहाँ जुआ खेला जाता है. मैं उन नामुनसिफ मुनसिफों से दरियाफ्त करता हूँ कि अगर ये जगह जुआ खाना होने की वजह से सोसाइटी की मुजरिम करार दी जाती है तो तुम्हें तमाम जहान के खिलाफ फर्द जुर्म लगानी चाहिए. कंपोटरी कैरेक्टर नो पर्सनैलिटी. नो एनीबडी नोस कि पर्सनैलिटी क्या है. पर्सनैलिटी इज योर लुक. व्हाट पर्सोना, व्हाट डज इट मीन? This manifestation of your psychology. So I want you to write all this. Okay, on demystifying everything today. Over simplifying acting. पहले लिख लीजिए acting is portrait characters. Re-portrait. So second line is personality of the character. Personality. सिर्फ आप एक एक word भी लिखेंगे keyword तो चल जाएगा personality. So personality की definition. This manifestation of your psychology. आपका मनोविज्ञान उजागर होता. हिंदी में जो लिखना चाहे आप पात्र निभाते हैं. पात्र का व्यक्तित्व या शख्सियत, और वो क्या है? पात्र का मनोविज्ञान. इसी मनोविज्ञान का मतलब
यानी पर्सनालिटी के लिए आपको कौन से वो थ्री एलिमेंट्स एक्सप्लेन करते हैं या एक्सपोज करते हैं या विच आर दोस थ्री एलिमेंट? सिंपल फिजियोलॉजी, आपका शरीर कैसा है, छोटे कद के हैं तो आपकी साइकोलॉजी अलग है, लंबे कद के हैं तो गोरे हैं तो काले हैं तो बॉल्ड हैं तो, है ना? सोशियोलॉजी, आप किस रिलीजन से किस रेस से बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स नर्चरिंग के ब्रोकन फैमिली से आए हैं, सो मेनी थिंग्स राइट। ये इसी सब लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज नो 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 नो, ये सब कुछ नहीं लिखना है। एंड ऑफ कोर्स साइकोलॉजी, आप क्यों क्या है वगैरह वगैरह, इन सारी बातों से डिटरमिन होती है इन थ्री एलिमेंट्स से कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, मन का विज्ञान। इसलिए हिंदी में बहुत सुंदर शब्द है मनोविज्ञान, जैसे फिलोसफी के लिए हिंदी का शब्द बहुत सुंदर है दर्शन शास्त्र, यू विटनेस, वॉच, ऑब्जर्व, फील, विटनेस, दर्शन, दृष्टा भाव, माय सन दृष्टा, ओके? तो भी दोनों करेंगे कि बचना भी और दृष्टा भी, राइट? इंट्रोस्पेक्शन एंड विटनेस, ओके। मनोविज्ञान, ये मन का विज्ञान है। अब मन क्या है, एनीबडी नोज? Thoughts, just thoughts. That's it. Vichar. So wait. ये लिखिए, तो आपने क्या लिखना है बेसिकली के एक्टिंग इज पोर्ट्रेइंग कैरेक्टर्स, व्हाट डू यू पोर्ट्रे, व्हाट डू यू पोर्ट्रे, साइकोलॉजी, पर्सनालिटी ऑफ द कैरेक्टर, पर्सनालिटी क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी क्या है, इट्स साइंस ऑफ माइंड, एक्चुअली साइंस ऑफ माइंड ये लिखना चाहें तो साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ माइंड, और माइंड क्या है, थॉट्स, ओके? मैं अभी पूरा सर्कल बना रहा हूँ, बहुत सिंपल। ये सारी बातें अब समझ लीजिए, ये तो आप पुस्तक में भी लिख लो और मस्तक में, सो अंडरलाइन अंडरलाइन करो। नाउ ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो अब हमें कैरेक्टराइजेशन करनी है इन एक्शन, यानी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बाद आपने क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट नाउ फॉक्स हमने कहा, सो यू थिंक अबाउट द कैरेक्टर। Thank you. Now tell me, my dear, how else have you prepared for the part of Marion Crane? Well, I've written an entire history for her, which seems a little silly, I know, but it really... Please write. Think, thought, thoughts. Think about the character. कैसे वो अभी हम बात करेंगे? तब उसको अगर आप चाहें तो circle कर लीजिए. Think about the character. Okay. So you think about the character. Now, next you think like the character. And इसको मैं थोड़ा थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करूंगा, लिख लीजिए। Then next is you feel like the character, you think like the character, you feel like the character. Now feelings को देख नहीं सकते, abstract है। तो feelings, emotions create motion, ये लिखने की जरूरत नहीं again. Feelings in action is what behavior. So you behave like the character. Mom, can you give me some money, please? Mom, can you give me some money, please? Stop fucking around! I can't. Mom, give me some fucking money, please! What are you doing? I'm your son! I don't have any. Mom, don't fuck around like this! You behave like the character. And now, when you are behaving like the character, aren't you portraying the character? It light off. साला बिजली बचाने के लिए बोली शराब अडिये रामानुजदासन। अरे स्वेटिंग इन विंटर, जॉगिंग, हाँ ड्रिंकिंग, जस्ट जोकिंग। या वैसे कहा बेबी, लिसन लिसन बेबी, नो नो नो, दैट्स नॉट चॉकलेट, प्लीज लुक हियर, यू गॉट चॉकलेट, चॉकलेट, दिस इज चॉकलेट, ओके? The cell phone behind.
Whoa, whoa, whoa. I'm Preston Fletcher, CIA. Well, ex. 悲しい知らせです。あなたの妹とそのご主人が殺されました。ありがとうございます。Let her go to India. Get me Dr. Manmohan Singh. Right away. Pranab Kundo, Research Analysis Wing. Basu, sir. Rakhal Basu. Bangali. Gagano Munchi, Wache, De Rudu, Chapter, Vinindi, Sanna, Dolu. So you quoted the character. The circle is complete. Now, in Baku, we have to think about the character. For the personality, आप जब पहले दिन आए थे मैंने कहा कि आपको कहीं से कहीं जाना है तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि आप इस वक्त कहां पर हैं. फाइनली यू नो व्हेन यू पोर्ट्रे पर्सनैलिटी व्हाट इज योर मटेरियल योर ओन पर्सनैलिटी दैट्स व्हाई एक्टिंग इज नोइंग थाइसेल्फ. आपकी यूनिकनेस आती है. मैजिक इफ मे फाइव और दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर सो सांचों में ढल के नहीं निकलते आप अभी भी कनकपुरी सब अलग अलग करेंगे. राइट, इतना समझ में आ रहा है आपको. सो अभी आपको ये काम करना है क्योंकि राइटर डायरेक्टर आपको कुछ नहीं बताएंगे. वो सिर्फ यही कहेंगे हीरो होने का, हीरोइन होने का, विलेन होने का, कैरेक्टर एक्टर होने का, जैसे कैरेक्टर एक्टर होने का और कैरेक्टर एक्ट्रेस होने का. या तो अगर होने का तो हीरो और हीरोइन का कोई कैरेक्टर नहीं होने का क्योंकि वो तो कैरेक्टर एक्टर होने का, ये हीरो होने का और ये हीरोइन होने का. सारी एक्टिंग इस कैरेक्टर एक्टिंग यार, ये पोर्ट्रेट कैरेक्टर्स. अच्छा फिर आप कहेंगे नहीं थोड़ा बताइए मेरे कैरेक्टर के बारे में. तो ओके आप हीरो होने का, आप हीरोइन होने का, आपका प्लेन क्रैश होने का, आप पायलट होने का, तो आपका उनको बचाने का और आपकी मेमोरी लॉस होने का, वहां आप कबीले के सरदार की बेटी होने का, वहां पर एक विलेन होने का, आपको प्यार करने का, वो जेलस होने का क्योंकि आप इनको प्यार करने का है ना. उसके बाद आपका शहर आ जाने का, पॉप सिंगर आपका पीछे पीछे आने का, विलेन का भी पीछे पीछे आने का. कार रेस टू द पावर इंफिनिटी का दैट्स योर कैरेक्टर, दैट्स नॉट योर कैरेक्टर, कम ऑन. चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. हम सब यहां इतने यूनिक है, हमें कौन सी तीन चीजें यूनिक बनाती है? या तो ये थ्री एलिमेंट्स जो भी मैंने बोला उनको अगर दो लफ्जों में बोले तो हमने और आसान करता जा रहा हूं. ये तो तीन हो गए. अगर सिर्फ दो लफ्जों में बोले तो कि व्हाट मेक्स अस अस और यू मी सो यूनिक सो डिफरेंट, जिसका जिक्र मैं रोज करता हूं. द मास्क वी आर वेयरिंग, जो टीचर्स माँ बाप सोसाइटी ने पहनाया, थ्री इडियट आपने देखी है. ओके सो उसमें पढ़ गए जीन्स एंड कंडीशनिंग. उस एक सेल में आप कितना कुछ इनहेरिट करते हैं. यू कम विद नॉलेज ऑफ 1000 बुक्स ऑफ 600 पेजेस. यू हैव एनी आइडिया कितना इनहेरिट करते हैं? कितनी बातें होती है कि माँ बाप को डायबिटीज तो नहीं थी, ब्लड प्रेशर तो नहीं था, किसको था दोनों में से. फिर और बहुत सारी बातें इसमें भी आपने देखा होगा, हेरिडिटी में किस तरह की सोच थी, किस तरह. दो बातें, जीन्स एंड कंडीशनिंग. कंडीशनिंग का मतलब आप समझते हैं. आपके लिए मैंने आसान किया, जो मास्क आपने पहना हुआ है, जो टीचर्स माँ बाप सोसाइटी ने पहना है, दैट्स नॉट योर ट्रू सेल्फ. फिर आप खोखे पर बैठकर भीख मांगते हैं, मतलब सॉरी मैं अपनी वेल्थ के बारे में जानकारी में दे रहा हूँ, नाउ यू हैव टू ओपन द लिड. या सो कितनी वेल्थ है हमारे पास, लेकिन उतना बताया जाता है हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सीओ ब्रदर, व्हाई वर यू बॉर्न, पड़ोस के बच्चे के 10 मार्क्स आए, तुम तो निखिल हो, इडियट हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, बड़े होकर क्या करोगे यार, बिजनेसमैन बन जाओ, तेरे लिए अच्छा लड़का देखेंगे उनको, लेकिन थोड़ी पढ़ ले, तो अच्छे लड़के कहाँ आज रहते हैं, शादी कर देंगे. सॉल्व कंडीशन, सॉल्व कंडीशन बेसिकली बिलीव्स. That's why
60,000 thoughts are there, vichar, manovigyan, 95% thoughts are negative. And are we our own thoughts? No, thoughts come and go. We are just a space in which thoughts come and go. अगर आपको लगता है ये सच नहीं है, stop thinking. You can't stop thinking. If you say I can stop thinking, मैं कहूँगा कि now you have a thought that I'm not thinking. You're wrong. Yeah. The thoughts and उसकी fabrication is language. हम उनमें meaning add करते हैं, है ना? People don't die of heart attack, they die of thought attack. हम मतलब उस traffic में घुस जाते हैं. You can still watch without adding any meaning. The thought will come and go like an unwanted guest. And consciousness has nothing to do with your mind. Mind has become matrix. बहुत बुरा लगता है हमें. लेकिन फिलहाल चूंकि अभी लोग वहां तक आकर रुक गए हैं तो लोग अभी तक personality portray कर रहे हैं. We'll just go beyond. आज नहीं तो कल जब आपको समझ में आएगा. So you will come from yourself, like the source, like you paint, like you write music, like you write a poem. अरे सोच के करते हैं, कुछ भी सोच के करते हैं, spontaneously, effortlessly, right? Creative juices flow, creativity flows. I appreciate that you sit down. It outflows. So we'll also learn that. So the be the combination of the best actor methodically काम किया वो log on हो गया, and then in front of camera let the juices or let the creativity take over. Yourself take over, not your personality. जो आपकी नहीं है. What you think you are is your personality. Who you are, you have no idea, right? So that's why acting is so spiritual. What is spirituality? Knowing thyself. What is acting? Knowing thyself. Think about it. लेकिन अभी अगर नहीं समझ आया, please consider. मैं अभी पिछले दो तीन दिनों से, because I checked out with my spiritual guru and he said कि maybe you know, मेरी बातों के लिए भी बहुत सारी बातों के लिए people are not ready. But does not mean that they can't, you know, do vipassana one day on the truth. You know, everybody is enlightened. एक पल में थोड़ी बड़ी एनलाइटेड हो जाता है, लेकिन फिलहाल नॉलेज के बोझ तले दबे हुए हैं यार. मैं मुझे पेड़ ने ढका हुआ है. मैं कहता रहा हूँ कि पेड़ ने ढका हुआ, पेड़ ने थोड़ी ढका हुआ है. आई हैव टू स्टेप अप. सो पिक्चर्स, सो ब्यूटीफुल, सो ऑसम. एनीवेज, कमिंग टू द पॉइंट नाउ, लेट्स कंसीडर दैट. ओके, सो यू थिंक अबाउट द कैरेक्टर. अगर तीन लफ्जों में फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, दो लफ्जों में जीन्स एंड कंडीशनिंग, एक लफ्ज में अगर बोले तो क्या हम सब, यानी ऊपर वाला कितना बड़ा स्क्रीन पे राइटर होगा. एक तो सबसे बड़ी बात, आपने कभी सोचा हम सब ने कभी ना कभी हर रस का अनुभव किया. दुनिया का एक इंसान मुझे नहीं मिला जिसने कहा हो कि यार मैंने कभी भय का अनुभव नहीं किया, या विभत्स का, या अद्भुत, या क्रोध, या रौद्र, या श्रृंगार, या व्हाटएवर. सबकी कहानियां अलग होंगी. आप अलग बात पे, यहां से मैं अलग बात पे, आप अलग बात पे रोई, मैं अलग बात पे रोया, आप अलग बात, आपने अलग समय या तो खुदा के लिए, या भगवान के लिए श्रृंगार था, वो क्या मैंने शायद अपने स्पाउस के लिए किया, आपने शायद अपने बेटे के लिए किया, बेटी के लिए, व्हाटएवर एक्सपीरियंसेस. एवरीबॉडी हैज गॉन थ्रू ऑल द एक्सपीरियंसेस. व्हाट इज स्क्रीन पे राइटर. So, now I have given away now, so tell me. So, in one word, what would you call? You are unique because you have a... Give me that one word now. Abhi main bol raha tha. Feelings? You have... You matlab feel differently for different situations. So, why you feel differently? Because you have a dash, fill in the blank. You have a personality, okay, personality, अब मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो personality में तीन elements हैं. मैं कह रहा हूँ एक ही में वो सब आ जाएगा, because you have a different personality, because you have a different genes conditioning को एक बढ़ दे दो.
लोग क्या करते हैं? ओके चलो मैं दूसरी तरह से कहता हूँ कि जो महान लोग हैं है ना, तो उनके बारे में जानने के लिए आप फाइनली जो सच है उनका जानने के लिए क्या करते हैं? चार्ली चैपलिन से दिलीप कुमार के अभी एक उन पर जो किताबें आती हैं उनको क्या कहते हैं जो वो खुद लिखते हैं? स्टोरी। एवरीबॉडी हैज अ स्टोरी। एक आर्टिस्ट ने एक पेंटिंग बनाई और उसका नाम रखा देवदूत। एक बच्चे की पेंटिंग थी, एंजल। बच्चे देवदूत होते हैं। वो पेंटिंग अमर हो गई, वो आर्टिस्ट अमर हो गया। बहुत बरस बीत गए, 25 बरस। फिर इस आर्टिस्ट को लगा कि मैंने जिंदगी का एक ही पक्ष बनाया है, मैन इज ए रैशनल एनिमल। अब वो मॉन्स्टर कहां मिलेगा? वो भयानक आदमी शायद किसी जेल खाने में। तो उसने सब जगह तलाश की और एक कैद खाने में उसे एक कैदी मिला जो भयानक लगता था। उसने कहा कि भैया मैंने आपकी पेंटिंग बनानी। वो हंसने लगा। उसने कहा 5 दिन में बनानी है तो बना लो, 5 दिन बाद तो मुझे फांसी होने वाली है। इस आर्टिस्ट ने दिन रात मेहनत करके उस कैदी की पेंटिंग बनाई और उस रात जिसकी सुबह कैदी को फांसी होने वाली थी वो पेंटिंग कंप्लीट हुई। कैदी रोने लगा। ये आर्टिस्ट बहुत हैरान हुआ। इसने कहा भैया क्यों रो रहे हो? आपको सुबह फांसी होने वाली है इसलिए? बोला नहीं साहब, आपको शायद पता नहीं है कि 25 साल पहले आपने जिस बच्चे की पेंटिंग बनाई थी वो मैं हूं। आपकी कहानी अलग है, आपके सगे भाई बहन की कहानी अलग होगी। सो वी हैव डिफरेंट स्टोरीज राइट। मेरे बड़े भाई के 4 छोटे भाई बहन थे, मेरे 4 बड़े भाई बहन थे। Went to different schools, different friends, different, you know, we read different books, different, you know, so many things, right? Different society, different people. Story, isn't it, everybody? So that's your mission. Main to job nahi karunga because you want to be immortal. And if you don't do it, up to you. Aap sirf dekhna चाहते हैं कि भाई तैरना आ जाए तो मैं पानी में कूदूं। आप 4 फुट में कूदना चाहते हैं, 4 फुट में तैरना चाहते हैं, 6 फुट में, गहरे पानी में, समंदर में, आपकी मर्जी। मैं तो कह रहा हूं आप डाइवर बनो यार, वही मेरी कोशिश है। यू कुड बी अ स्विमर, यू कुड बी अ चैंपियन, लेकिन डाइवर जब बनते हैं तो क्या होता है? गहरे पानी पैट मोती कहाँ मिलते हैं? गहरे पानी। यू कुड बी अ ग्रेट स्विमर, यू कुड बी अ ग्रेट यू नो डाइवर ऑल्सो, then you know, so that's what you have to do. कर सकते हैं। लोगों ने बताया कि हीरो होने का, आप हीरो होने का कर दो, show the attitude of the hero or heroine, लेकिन आपको ये काम खुद करना पड़ेगा। Like a co-creator of God, like a mini Brahma, mini Brahma जो करते हैं, या जो मैं कहता हूँ कि आपके soul नई soul को जन्म देगी, तो उसके लिए वो 9 महीने क्या करते हैं आप यार? And then you go through liver pains अपने कोख में, फिर उसके बाद आप उसे नर्चर करते हैं, बच्चे को बड़ा करते हैं। जो सुख एक माँ को मिलता है वही आपको मिलेगा या ब्रह्मा। मैं कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई यू नो मेटाफिजिक्स, आई एम जस्ट ओवर सिंप्लीफाइंग, विच मीन्स व्हाट? यू विल हैव टू क्रिएट द स्टोरी टू जस्टिफाई द कैरेक्टर, कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है।
యాక్టర్స్ యానీ కో క్రియేటర్స్ ఆఫ్ క్రియేటర్ అండ్ ఇట్స్ కో క్రియేషన్ అట్ ఇట్స్ బెస్ట్. మేరే దోస్త్ దినేష్ ఠాకూర్ ఆప్ సబ్కో మిని బ్రహ్మా కహతే థే. యాక్టింగ్ యానీ క్యా, యూ పోర్ట్రే క్యారెక్టర్ यानी बिहेव लाइक दैट कैरेक्टर. बिहेवियर यानी इमोशंस एंड एक्शन. सो एक्टिंग इज एन इमोटिव आर्ट. नाउ सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि मोस्ट ऑफ द एक्टर्स हैव दिस इम्पोस्टर मैनिया कि विल आई बी एबल टू कनेक्ट, स्विच ऑन स्विच ऑफ, क्योंकि यू आर द इंस्ट्रूमेंट, यू आर द प्लेयर, यू आर द मटेरियल, यू आर द सोर्स. And you can't wait for the inspiration. For example, ek writer ke paas kalam hai, ek painter ke paas brush hai, ek musician ke paas musical instrument hai. Aur jab unhe inspiration aati hai to ek acha kalam kehte hain, ek khoobsurat nazm kehte hain, ek acha music compose karte hain. Yahan to director kehta hai action and you got to be inspired, yani inspired, yani connect, switch on, switch off. To kya karenge? So everybody is so insecure, sab dare honge. To pehle kuch baatein hum samajh lein ki acting ek aisa art hai, very holistic art, jahan dono brains aapko use karne hain, left brain aur right brain. Left brain yani logical brain to understand your character and right to create. Now right brain ka sahi istemal kaise kare ye hame koi nahi sikhata. Remember a film called Three Idiot? Aur 25% people jo hai is duniya mein psychic hain, they flow, lekin unhe pata nahi hai ki ye sab kaise hota hai. Jaise ek zamane mein हल तो पहले भी नीचे करते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि देयर इज अ लॉ. देन न्यूटन फाउंड आउट के देयर इज अ लॉ ग्रेविटेशन. यस, देयर आर सर्टेन स्पिरिचुअल लॉज. सो इन ऑर्डर टू यूज बोथ द ब्रेन्स, या मैं इसे दूसरी तरह से कहना चाहूंगा कि दुनिया में दो तरह के एक्टर्स हैं, मेथोडिकल एंड एंड स्पॉन्टेनियस. द बेस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो मेथोडिकल काम कैसे करना है, उसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्टैनिस्लावस्की, ली स्ट्रासबर्ग, चेखव, मतलब रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल तो एक ही है. पर्सनली जो मुझे बहुत सिंपल लगता है कि वो है कि राइट द हिस्ट्री ऑफ द कैरेक्टर. व्हाई वी बिहेव द वे वी बिहेव बिकॉज ऑफ अवर हिस्ट्री. वी आर ऑन ऑटो पायलट. सो व्हेन यू राइट द हिस्ट्री यू बिकम ऑन योर ऑटो पायलट. तो राइट जो भी आपने मेथोडिकली काम किया, जैसे भी, वो तो लॉग ऑन हो जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं है. लेकिन कैमरे के सामने आकर बहुत सारे लोग दे ट्राई टू स्क्वीज, छोड़ने की कोशिश करते हैं इमोशंस को. और इमोशंस तो रेत की तरह है ना, उसे कस के मुट्ठी में बंद करोगे तो क्या होगा. तो इसका जवाब जो दिया वो स्पिरिचुअल टीचर्स ने, एक आर्ट टूल है, हाउ टू बी यू नो in the moment, here now. So Eckhart Tolle says it's a very simple thing. Even a simple conscious deep breath, you're not watching, brings you to present moment. Like if I do this, and then your mind stops, mind any thoughts, and mind is just a fraction of your intelligence. तो एक वेरी हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अराइजेस, गेट्स एक्टिवेटेड. या यूं कहूं तो यू स्टार्ट कमिंग फ्रॉम योर सोर्स. पंडित रविशंकर एक बड़ी खूबसूरत बात कहते थे कि 90 साल की उम्र में भी किसी कॉन्सर्ट में कुछ ऐसे सुर लगते हैं जो उन्होंने कभी जाने सुने ही नहीं. एक मैजिकल मोमेंट, एक चमत्कार होता है. तो इफ यू डू दिस के मेथोडिकली काम करने के बाद, और जो भी आपको समझ में आता है कि सीन पर काम किया, यू यूज अ टेक्निक मैजिक, मैं ये पात्र होता है वगैरह वगैरह वगैरह, और ये स्थितियां होती,
कैसे बिहेव करता है एंड देन यू टेक अ कॉन्शियस डीप ब्रेथ. सो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन योर माइंड स्टॉप्स क्रिएटिविटी अराइजेस, ब्यूटी अराइजेस, लव अराइजेस. सो ऑल ऑफ अ सडन क्रिएटिव जूसेस आर फ्लोइंग एंड यू बिकम अ को क्रिएटर. Your soul starts giving birth to a new soul and you watch, you stand out. Like Sakshi Bhav se, Drashta Bhav se, your own acting. And every shot becomes an award in itself because you enjoy the process of creativity. You're not kind of critic of your own acting, like the mind keeps oscillating in the past and future. You become aware. Buddha se kisi ne pucha tha, are you enlightened? He said, no, I'm aware. So you become aware of your acting. And you become a co-creator. Many people have this, ego kehlo, the creative self. They try to create. No. Then they stop at their personality, which is actually, aapki personality aapki apne khud ki hai bhi nahi. मैं कई बार कहता हूँ कि मैं एक भिखारी को ये सिखा सकता हूँ कि कैसे आप दयनीय चेहरा बनाओ और आवाज में दर्द पैदा करो और किस तरह से, किस बॉडी लैंग्वेज से भीख मांगो तो आपको बहुत पैसा मिलेगा. लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप जिस सीट पर बैठकर भीख मांग रहे हैं उसको खोलो. जिस खोखे पर बैठकर भीख मांग रहे हैं उसके अंदर कितने हीरे जो आते हैं, यानी आप भिखारी हैं ही नहीं. लेकिन वी डू नॉट नो अबाउट अवर सोर्स. सो जो हमारा मेटीरियल है, जैसे जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जो माँ बाप ने दिए, आपको बताया गया कि आप हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, डॉक्टर बनो, इंजीनियर, वट एवर, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर नो आइंस्टाइन. सो यू स्टॉप देयर. There is no paradigm shift, no lateral thinking, no out-of-box thinking. Basically, all I'm saying is you come from your source and source, you have no idea. That's when you open the box and the wealth you have. So, just to kind of sum up, first work methodically, whichever way. Take a conscious deep breath. The moment you take a conscious deep breath, the mind stops. You come in the moment, and the creativity is possible only in the moment, when you are present, when you are aware, when you are conscious. Call it Buddha in you, call it God, call it spirit, soul, and then you start co-creating. And you can watch your own co-creation like in Vipassana, and then everything becomes celebration. Life mein bhi aap ye kar sakte hain, tatasth bhav se, samandar ke kinare aap baithe hue hain, nadi ke kinare baithe hain, kahin phool bhi ja rahe hain, koi dead objects ja rahe hain, lekin aap pratikriya nahi karte, aap watch karte, aap sirf watch karte, equanimity ke saath. So that's how you can, live your life. So ek din aisa bhi aayega when you hurt is not going to hurt you. Jo tears hain aapke, right? You can watch your tears, you can watch your pain. To aap acting mein bhi aisa karenge, aur acting is sabse badi baat hai, because you cause it. Life will become effect of our situations, emotions. Here you create, and then aap अभिनय ऐसे करोगे जैसे जीवन जी रहे हो, और जीवन ऐसे जियोगे जैसे अभिनय कर रहे हो. God bless. फ्रेंड्स, ये था अभिनय सार, जैसे गीता सार, जिसे आप चंद पंक्तियों में पढ़ सकते हैं. पर जैसे अर्जुन ने पूरा गीता ज्ञान युद्ध के मैदान में स्वयं भगवान कृष्ण के मुख से सुना, वैसे ही आप पूरा अभिनय ज्ञान मेरे पापा अभिनय गुरु किशोर नमित कपूर से ले सकते हैं. तो 7 नवंबर को पापा एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी शूटिंग करेंगे फिल्म मेकर बहाइश कपूर, माय ब्रदर. ये लर्निंग गीता ज्ञान की तरह एक्चुअल लोकेशन पर होगी. तो फिर बहाइश कपूर इस ट्रेनिंग की फुल लेंथ फीचर फिल्म बनाएंगे. तो अवसर है
पापा के जीवन की प्लैटिनम जुबली का, तो आप इस फीचर फिल्म में फीचर कर सकते हैं, यानी ट्रेनिंग के दौरान ही डेब्यू भी हो जाएगा। आप सक्सेसफुल स्टार एक्टर भी बन जाएंगे और इस इतिहास में आपका भी रोल होगा। तो अगर आप में मेरिट है तो ज्वाइन कीजिए, आपका स्वागत है। तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। साइनिंग ऑफ, विपश्ना कपूर।